आज हम बनाएंगे कटहल की मसालेदार सूखी सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। कटहल के साथ ही साथ मैंने इसमें आलू भी ऐड किया है। इस सूखी मसालेदार सब्जी को आप रोटी, पराठा, पूरी या नान के साथ सर्व कर सकते हो। लंच बॉक्स के लिए भी ये एक बढ़िया ऑप्शन है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कटहल को छीलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इससे गोंद निकलता है, तो आज मैं आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से छील कर भी बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आपको कटहल छीलना एकदम आसान लगने लगेगा। यहाँ पर मैंने एक कटहल के टुकड़े को अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। वजन में ये 500 ग्राम है। इसे काट लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथों में और चाकू पर सरसों का तेल लगा दिया है ताकि गोंद हाथों पर और चाकू पर ना चिपके। इसे काट लेते हैं। अभी बिना बीज और बिना रेशे वाले कटहल मार्केट में आ रहे हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अब यहाँ पर मैंने इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहो तो इसके छिलकों को इसी तरह से भी चाकू की हेल्प से निकाल सकते हो। छोटे टुकड़ों से छिलका निकालना भी थोड़ा आसान हो जाता है। या फिर मेरी तरह आप भी इन्हें छिलके के साथ ही कुकर में डाल दें। उबालने के बाद इन्हें छीलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ में ही इसमें मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को अच्छी तरह से धोकर डाल दिया है। इन्हें ऐड करना ऑप्शनल है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है ताकि इनमें उबालते वक्त नमक का भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब इसमें पानी डाल देते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगा देंगे। और अब 1 सीटी लग चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके कुकर का प्रेशर खत्म होने देंगे। और अब कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। ये हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू भी चेक कर लेते हैं। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना ताकि जब हम इन्हें मसालों के साथ भुने तब ये साबुत रहें, ना टूटे। और अब इन्हें मैंने इस स्ट्रेनर में निकाल लिया है। इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 4 हरी मिर्च को भी बारीक काट कर तैयार कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है। इस सब्जी में तेल और मसाले एक सामान्य सब्जी से थोड़े ज़्यादा लगते हैं। सब्जी में बघार लगाने के लिए कुछ खड़े मसाले भी ले लिए हैं। 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेजपत्ता, 2 सूखी वाली साबुत लाल मिर्च को भी तोड़कर ले लिया है और 1 टीस्पून जीरा। और अब ये ठंडा हो चुका है, इसे छील लेते हैं। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। उबाल लेने से ये बहुत ही आसानी से छील जाते हैं और गोंद की भी समस्या ख़त्म हो जाती है। और अब मैंने सारे कटहल और आलू छील कर तैयार कर लिए हैं। आलू को मैंने बीच से 1 कट लगाकर 2 टुकड़ों में काट लिया है। मैंने इन्हें बड़े टुकड़ों में ही काटा है। आप इन्हें अपनी मनपसंद के साइज़ के छोटे या बड़े काट लें। आइए अब सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई गरम कर लेंगे। इसमें 2-3 टीस्पून जैसा सरसों का तेल मैंने डाल दिया है। इस सब्जी को सरसों तेल में बनाने से ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तेल को अच्छी तरह से धुआं उठने तक गरम कर लेंगे ताकि सरसों तेल के कच्चेपन का टेस्ट ना आए। और अब तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को लो कर लेंगे। सबसे पहले हम कटहल को भून लेंगे। इन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ऑयल में डाल देते हैं, भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इन्हें हम कटहल के गोल्डन ब्राउन होने तक 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। भून लेते हैं। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो भी ज़रूर कर लें। और अब ये भून चुके हैं, इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमारे कटहल भूनकर तैयार हैं। अब वापस कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं।
तेल को अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे और अब फ्लेम को लो करके इसमें बघार की सामग्री डाल देते हैं। एक पिंच हींग भी डाल देंगे। अब कटे हुए प्याज डाल देंगे, भून लेते हैं। आप इस रेसिपी को कहां से यानी कि कौन सी जगह से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरे साथ कहां से कनेक्ट हुए हैं। अब इसी स्टेज पर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल देंगे, भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम प्याज के अच्छी तरह से भूनकर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और अब प्याज अच्छी तरह से भून चुका है तो इस स्टेज पर इसमें मैंने 1 टीस्पून बेसन डाल दिया है। बेसन ऐड करने से मसाले में थोड़ी थिकनेस आ जाती है। इस तरह से ये मसालों को कटहल पर कोट होने में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करेंगे। और अब कुछ सेकेंड्स तक बेसन को भी मैंने भून लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसे भी मैंने पूरे 1 मिनट तक भून लिया है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। और अब इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे ऐड करने से सब्जी का कलर एकदम बढ़िया लाल निकल कर आएगा। हल्का सा पानी भी डाल देते हैं, भून लेंगे। इन्हें हमें मसालों के अच्छी तरह से भूनकर ऑयल सेपरेट होने तक भून लेना है। तो थोड़ा और पानी डालकर इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनसे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। इस स्टेज पर इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटरों को काट कर ले लिया है। स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं। इस स्टेज पर नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। 1/4 कप पानी भी डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं। अब ढककर इसे टमाटर के अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और अब 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने के बाद ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें स्पैचुला से प्रेस करते हुए मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। दोस्तों, हमारी YouTube फैमिली को 1 लाख पूरे होने में अब कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आपकी तरफ से भी थोड़ा लाइक, शेयर, हर्ट्स एंड कमेंट्स पक्के से करें। अगर नए हैं और हमारी रेसिपीज देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। हम आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहेंगे। और अब मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो चुका है तो कटहल और आलू डाल देते हैं। मसालों के साथ मिक्स करते हुए इन्हें भून लेंगे और अब इन्हें मैंने 3-4 मिनट तक मसालों के साथ ही भून लिया है। और अब मसाले कटहल और आलू पर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं तो अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल देते हैं। 1 मुट्ठी भरकर बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां भी मैंने इसमें डाल दी हैं। मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ढककर इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे ताकि कटहल और आलू अच्छी तरह से पक जाएं और इनमें सारे मसालों का टेस्ट भी आ जाए। तो बीच में इसे मैंने ढक्कन खोलकर एक बार चला दिया है। ढककर वापस पकने देते हैं और अब पूरे 10 मिनट तक पकने के बाद ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, एक बार चला देंगे। बहुत ही शानदार और लाजवाब कटहल और आलू की मसालेदार सूखी सब्जी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। लास्ट में एक बार फिर से इसमें मैंने थोड़ी हरी धनिया की पत्तियां डाल दी हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट कटहल और आलू की ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसके सामने नॉनवेज भी फेल हो जाए। इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, नान या राइस के साथ सर्व करें। इस होली आप भी इस नए तरीके से कटहल की सब्जी बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।